स्वागत है आपका ड्राइव स्पार्क में। मैं हूं प्रमीत और आज हम आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल के लॉन्च पे फ्रॉम नंदेरा इलेक्ट्रिक। अब आप जो ये पीछे देख रहे हैं, दिस इज दी ऑटोवा। और चलिए आपको इस इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक वॉक राउंड देता हूं और आपको बताता हूं कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपको क्या क्या मिल जाता है। सबसे पहले तो आपको एक क्विक वॉक राउंड देता हूँ और नाम आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है ऑटोवा। तो बेसिकली दिस इज ऑटो स्पेल्ट बैकवर्ड्स बट वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, वेरी इंटरेस्टिंग नेम। काफ़ी सिंपल डिज़ाइन है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड सो दिस इज़ हाउ द इलेक्ट्रिक व्हीकल लुक्स फ्रॉम द साइड प्रोफाइल। एंड सामने की तरफ अगर हम लोग आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज़ हाउ द फ्रंट प्रोफाइल लुक्स लाइक। एंड कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा ना। सबसे पहले दिस इज़ अ प्रोटोटाइप वर्जन, अभी इनको प्रोडक्शन वर्जन आना बाकी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है आप देखेंगे कि दैट इज़ नॉट कम्प्लीट। फॉर एग्जाम्पल आपको पैनल कैप्स देखने को मिलेंगे, अंदर की तरफ काफ़ी सारी चीज़ें नहीं लगी हैं, नहीं चल रही हैं। और ये जो आप बॉडी देख रहे हो, दिस इज़ मेड आउट ऑफ फाइबर। ये आपको इनफैक्ट मेटल में भी मिलेगा अवेलेबल। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट एंड से। सबसे पहले आपको यहाँ पर कंपनी की ब्रांडिंग मिल जाएगी, दैट इज़ नंदेरा का लोगो। ऊपर से ये जो आप देख रहे हो, सो यहाँ पे आपको चार प्रोजेक्टर हेडलाइट मिलेंगे, दो इस साइड, लो बीम और हाई बीम अलग अलग जलता है, साइमल्टेनियसली नहीं जल सकता है। लो बीम के लिए जब आप हाई बीम पे स्विच करोगे तो ये बंद हो जाएगा और ये चालू हो जाएगा। एंड द एंटायर सेटअप इज़ अ हैलोजन यूनिट। ऊपर से दिस इज़ द इंडिकेटर। एंड नीचे की तरफ आएंगे तो यू गेट दी स्टील व्हील, बट यू ऑल्सो हैव अ डिस्क ब्रेक दैट इज़ अटैच्ड ओवर हियर। मे बी दैट इज़ फॉर द रीजनरेशन। यू गेट अ सिंगल वाइपर एंड विंडस्क्रीन आप देख सकते हैं। इट्स अ सिंगल पीस विंडस्क्रीन जो कि यहाँ पे साइड तक ऐसे करके आ रहा है। अभी ये फिलहाल टिंटेड है, लेकिन जब निकलेगा तो क्लियर ग्लास ही मिलने वाला है आपको, ये टिंट नहीं मिलेगा। एंड थोड़ा बहुत फिट एंड फिनिश क्वालिटी आप देख सकते हैं कि सिंस दिस इज़ अ प्री प्रोडक्शन वर्जन प्रोटोटाइप, तो थोड़ा बहुत वर्किंग प्रोटोटाइप है। लेकिन साइड पे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि विंडो के कटआउट्स है, लेकिन विंडो नहीं दिया गया है, साइड डोर है। तो एक बार आप कैबिन के जैसे ही अंदर आ जाते हैं, आपको ये ORVM मिलता है जो कि मैनुअली एडजस्टेबल ORVM है। ये है इसका डोर पैनल, डोर लॉक, आपको मैनुअल विंडोज़ मिल जाएंगे यहाँ पे। एंड अंदर की तरफ आते हुए आप देख सकते हैं कि बहुत ही बेसिक सा कैबिन है। इनफैक्ट यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको AC के वेंट्स, इनफैक्ट ब्लोअर्स आए हैं जो कि अभी लगा नहीं हुआ है, लेकिन आप इसमें AC काफ़ी फिटमेंट कर सकते हैं अलग से। अगर आपको अलग से AC लगाना है इसमें तो आपको 50,000 रुपये के आसपास खर्चा करना पड़ेगा इसमें AC लगाने के लिए। यहाँ पे डिजिटल क्लस्टर है, यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाती है जो कि एक 1 एम्पेयर और 2.1 एम्पेयर की, जो कि शायद फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। स्विच गियर क्वालिटी आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ब्रेक दो लोगों के लिए सीट की जगह है। एंड ये इसका पीछे का जो ट्रेलर है, इसके बारे में बताऊंगा, वो वाला जो डोर है वो खोल के, क्योंकि ऑब्वियसली लगेज आप लोड वहीं से करेंगे। काफ़ी लाइट डोर है, फाइबर डोर है, तो ऑब्वियसली आपको दिक्कत नहीं होगी इस चीज़ को वो करने में। आप देख सकते हैं थ्री व्हील सेटअप है, तो थ्री व्हीलर। पीछे की तरफ आपको बहुत ही सिंपल सा एक डोर मिल जाएगा, ऑब्वियसली विंडो कटआउट है लेकिन विंडो नहीं दिया गया है। फिर इंडिकेटर्स, टेल लाइट, एंड वहाँ पे आपको रिवर्स लाइट मिल जाएगा टू ओपन दिस। ये हाइड्रोलिक स्ट्रट लगे हुए हैं यहाँ, देख सकते हैं दोनों साइड पे। इनफैक्ट ये आप अगर यहाँ से छोड़ देंगे तो अभी ये फ़िलहाल के लिए तो नीचे चला जाएगा, लेकिन ये थोड़ा बहुत उठता है और यहाँ तक हल्का है, बट यहाँ के ऊपर इट इज़ स्लाइटली हैवी। सो आई थिंक द प्रोडक्शन वर्जन विल फीचर समथिंग कि यहाँ खोलेंगे और यहाँ तक ऑटोमेटिकली उठ जाएगा। सो ये स्पेस देख सकते हैं, यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे बैटरी का पैक है। एंड इस जगह पे यू कैन कीप योर लगेज। सो दिस हैज़ मोर देन 5,000 liters ऑफ स्पेस, जिसमें काफ़ी सारा लगेज आ सकता है। बंद करने के लिए सिंपल आपको बस पुश डाउन करना है। एंड क्योंकि पूरी बॉडी जो है प्लास्टिक की बनी है, तो इसका वेट भी जो है वो काफ़ी लाइट है। दिस इज़ अंडर 600 kgs। एंड दोस्तों एक और चीज़, प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग के मामले में ये जो है प्राइस्ड है, स्टार्टिंग प्राइस है अराउंड 3.5 lakh एक शोरूम, और जो टॉप एंड वेरियंट है वो जाता है 5.5 lakh एक शोरूम तक। अब कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात करूँगा मैं, तो सबसे पहली बात तो बैटरी, तो आपको मिलता है एक 15.8 kWh की बैटरी। और मोटर जो है वो मोटर का आउटपुट है अराउंड 49 Nm। रेंज की बात करें दोस्तों, तो रेंज आपको सिंगल बैटरी पे फुल चार्ज पे 165 km का रेंज मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें डुअल बैटरी का भी ऑप्शन है, आप अलग से आपको परचेज करना पड़ेगा, तो वो लगाने के बाद रेंज हो जाएगी कुछ 300 km की। चार्जिंग टाइम की बात करें तो चार्जिंग टाइम इसका जो है, जो रेगुलर चार्जर है, उससे करीब 3.5 से 4 घंटे लगने वाले
फुल चार्ज होने में। फास्ट चार्जिंग में आपको 1 hour 20 minutes लगेगा सिंगल बैटरी वाला, और डबल बैटरी को चार्ज करने के लिए अराउंड 1 hour 30 minutes से 1 hour 40 minutes लगेगा। लेकिन रेगुलर चार्जर से जो चार्जिंग टाइम है जैसे 4 hours होता है, वो चीज़ डबल हो जाएगी, यानी 8 hours की चार्जिंग टाइम हो जाएगी। इनफैक्ट दोस्तों आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो फ्रंट का शेप है काफ़ी एरोडायनेमिक है, डिज़ाइन जो है वो काफ़ी स्लीक है, एंड सामने से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक टाइप का लुक है इसका। तो ओवरऑल जो है दोस्तों दिस गोना बी अ फैंटास्टिक व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट बी, एंड लगेज कैरी कर सकते हैं, कुछ भी कैरी कर सकते हैं इसमें, एंड पेलोड कैपेसिटी जो है वो अराउंड 900 kgs का है। और एक चीज़ अच्छा है कि यहाँ पे इंडिया में वो काफ़ी होता है कि लोग ओवरलोड करके चलते हैं, तो इसमें एक लोड सेंसर लगा हुआ है, तो आप अगर 900 kg से ज़्यादा लोड रखेंगे तो ये चीज़ आगे नहीं बढ़ेगी। अगर सेंस करेगी कि इसका जो सेंसर है वो 900 kg से ज़्यादा सेंस करेगा तो द व्हीकल विल नॉट मूव, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों दिस वॉज दी ऑटोआ फ्रॉम दंडेरा इलेक्ट्रिक, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं प्रमित साइन करता हूँ, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बी सेफ एंड ड्राइव सेफ।